आगरा शाहगंज में हत्या को बना डाली आत्महत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर दिख रहा है कि हत्या सर पर भारी चोट लगने से हुई है। इस मामले को आत्महत्या का रूप दे डाला गया है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। ऐसा आरोप पीड़ित महिला रेखा सोलंकी ने, जो कि पत्नी गौरव सोलंकी निवासी केदारनगर शाहगंज आगरा की रहने वाली है, जिसकी शादी गौरव जगदीश सोलंकी से हुई थी। पीड़ित महिला ने अपने पति की मौत को लेकर आगरा के शाहगंज थाने में आरोप लगाया था और शिकायती पत्र भी दिया था कि उसके पति गौरव की हत्या की गई है। आपको बता दें कि शाहगंज के केदारनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस का कहना था कि युवक ने खुद ही अपने पेट में कांच मार लिया था। उसे निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। इस मामले पर परिजनों का कहना था कि वह काफ़ी तनाव में था, जिस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। केदारनगर निवासी गौरव, जो कि 30 साल के थे, अब प्राइवेट नौकरी करते थे। मंगलवार यानी कि 29 मई 2023 को उनकी मौत हो गई थी। मौत काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियों में थी। आपको बता दें कि पीड़ित महिला रेखा ने बताया कि हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे पति मुझसे फिर से विवाह करना चाहते थे। हाल ही में दिसंबर में मेरी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर वो मेरे घर कोटा यानी कि राजस्थान भी आए थे, जिसमें उनकी भाभी विनीता भी शामिल थी। दोनों ही लोग काफ़ी खुशी माहौल से आए थे। हमारी बेटी के जन्मदिवस को भी उन्होंने मनाया। शादी भी हम लोगों की जल्दी होने वाली थी। लेकिन वहीं पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि गौरव सोलंकी उर्फ जगदीश के साथ एक षड्यंत्र के तहत घटना की गई है और उनकी हत्या कर दी गई है। मामले पर पुलिस ने बताया कि उसने आत्महत्या कर ली थी, जबकि सिर्फ पेट में गंभीर चोटें हैं, उसकी हत्या की गई है। उनकी लाश घर से ले जाकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसे हत्या किया जाना साफ नजर आता है। आपको बता दें कि गौरव उनके भाई ने कुछ दिन पहले जगदीश के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उसका प्लाट बेच दिया था, जिसका रुपये उनके भाई मुकेश सोलंकी ने अपने पास रख लिया था। अन्य प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का दबाव लगातार गौरव सोलंकी पर बनाया जा रहा था, जिससे वह नहीं कर रहे थे। मकान में अपना हिस्सा भी मांग रहे थे और मुझे अपने साथ रखना चाहते थे, फिर शादी करना चाहते थे। इसी कारण से उनकी हत्या कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित महिला ने आगरा के शाहगंज थाने में 23 मई 2023 को पीड़ित महिला रेखा सोलंकी ने थाने पर तहरीर दी थी। महिला ने हमें यह भी बताया कि थाने पर उससे कहा गया कि आप उसकी पत्नी नहीं हो तो आप शिकायत कैसे करोगी। अब आप ही बताइए कि आखिर ये कैसा कानून है जहां पर शिकायतकर्ता पत्नी हो या कोई व्यक्ति हो, क्या किसी की हत्या की शिकायत कोई नहीं कर सकता। इस मामले पर शाहगंज पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है। थकार कर पीड़ित महिला ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले पर हमने भी शाहगंज प्रभारी निरीक्षक से बात की है, तो उन्होंने महिला को बुलाने के लिए हमसे कहा। इस आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और अपनी आप बीती सुनाई है कि षड्यंत्र के तहत किस तरह से उसके पति गौरव सोलंकी की हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेखा शर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं कोटा से हूँ, कोटा राजस्थान में रहती हूँ मैं। मैम समस्या क्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मेरी 2010 में मेरे पति मिस्टर जगदीश उर्फ गौरव सोलंकी से मेरी शादी हुई थी। 2010 में लव मैरिज हुई थी हमारी शादी, ठीक है। आफ्टर मैरिज में रेखा सोलंकी हो गई, ठीक है। 2022 में मेरा तलाक हो गया था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, मेरे जेठ थे, मेरी जेठानी थी, काफ़ी टॉर्चर, काफ़ी परेशान करती थी। बस मेरे हस्बैंड से ये था, हम चाहते थे कि हम जो है हम उस घर को छोड़ के अलग हो जाएं, लेकिन हमारे घर हमारे हस्बैंड जो है माने नहीं, और हमारे हस्बैंड ड्रिंक भी करते थे। तो हम दोनों तरह से परेशान थे। हम चाहते थे वो या तो घर छोड़ दे और ड्रिंक भी छोड़ दे, पर वो माने नहीं। तो हम फिर 2022 में हमने तलाक ले लिया। हमने तलाक जो लिया था, हमने सिर्फ उनको डराने के लिए तलाक लिया था, ठीक है। हमारा ये था कि हम वापस से शादी करेंगे, है ना। हमारी एक बेटी भी है 8 साल की, अभी वो लास्ट टाइम मैं उनसे दिसंबर में मिली थी, ठीक है। और वो सही रास्ते पे चल रहे थे, बिल्कुल ड्रिंक वगैरह सब छोड़ दी थी। उनका कहना था कि अब कुछ टाइम बाद जो है हम लोग अलग रहने लग जाएंगे, शादी कर लेंगे फिर। तो मैम है आपके पति अभी?
मेरे पति अभी 9 मई को उनका जो है वो मर्डर हुआ है। ठीक है, 9 मई को उनका मर्डर हुआ है रात 9 बजे के करीब। ठीक है, जिसकी सूचना मुझे मिली थी रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में। तो मैम कैसे आप कह सकते हो कि मर्डर हुआ है? मर्डर हम ऐसे कह सकते हैं कि उस समय तो हमें भी नहीं पता था कि मर्डर है, हमें लगा कि यह बताया गया था कि आत्महत्या की है। तो हम दो दो तीन दिन हम खुद अपने होश में नहीं थे, हम खुद इतने परेशान थे, हमको लग रहा था कि हमारी वजह से आत्महत्या कर ली। हमने इनका अखबार में न्यूज़ पढ़ी तो हमने देखा कि आत्महत्या कर ली उन्होंने, हमारी वजह से कर ली है, हम मतलब हो रहे थे। फिर एक बार को जब हमने सोचा कि उन्होंने आत्महत्या की ही क्यों, क्योंकि हमारा तो वापस से डिसाइडेड था कि हमको वापस से जो है वो शादी करनी है, मेरी बच्ची से भी मिलने आए थे, वो बात भी करते थे, सारी चीजें फिक्स थी। फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों करी, इस चीज पे जब हमने गौर किया बाद में, तब हम उनके 12वें वाले दिन, उस समय तो हिम्मत नहीं पड़ी हमारी आने की, लेकिन उनका जो 13ई थी श्रद्धांजलि वाले दिन जो है अपनी बेटी को लेकर आए हम श्रद्धांजलि दिलवाने उनको, ताकि हमें इस मैटर का कुछ, हमें डाउट हो गया था वहीं से ही, तो इस मैटर का हमें कुछ पता चले। तो मैम ठीक इसकी है, सूचना आपने कहाँ कहाँ ली है? इसकी सूचना देखिए हमें वहां पे गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, तो वहां से हमें कंफर्म हो गया कि इनका मर्डर हुआ है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है कि उनके सर पे पीछे बार है, हथौड़े जैसा बार है, बारी बार है, और उनके पेट में इस तरह से मारा गया है, जो भी नुकीला, चाहे वो कांच हो या कुछ और हो, नुकीली चीज मारी गई जिससे उनकी आंतें बाहर आ गई है, तो वो साफ जो है वो मर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी सूचना करने जब जैसे ही हमें पता चला, हम गए थाने में FIR करवाने, लेकिन वहां के जो जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमसे ये बोला कि तुम्हारा तलाक हो चुका है, तुम FIR नहीं कर सकती, तैयार नहीं लिखी उन्होंने। नहीं लिखी FIR, और हमने एप्लीकेशन दी तो उसकी रिसीविंग भी हमको नहीं दी, जबकि एक आम आदमी भी FIR कर सकता है अगर उसको संदेह है तो। और मैं कहाँ गई? उसके बाद हम कोटा चले गए। हम वहां जाने के बाद हमने वहां पे के थाने में फोन किया, हमने बोला कि हमने आपको जो है FIR लिखने के लिए हम आए थे, वहां पे आपके यहाँ FIR नहीं लिखी गई हमारी, और हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं। तो वहां के जो जितेंद्र कुमार हैं उन्होंने बोला कि आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उन्होंने मना कर दिया। जो वहां के निरीक्षक थे वो जितेंद्र कुमार उनका नाम था, थाने उनसे के मेरी बात हुई, निरीक्षक सागन थाना, सागन थाने के निरीक्षक जितेंद्र कुमार से मेरी बात हुई थी। उसके बाद हमने CM पोर्टल पे डाल दिया, CM पोर्टल पे डाला तो रिप्लाई में आता है कि हमारा तलाक हो चुका है, मतलब जैसे वो घर पे गए थे तो हमारी छानबीन करने गए थे, हमारे पति के लिए कार्रवाई करने नहीं गए थे, है ना। इस तरह से उन्होंने CM पोर्टल पे डाल दिया जो कि मेरे पास मौजूद है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम कोर्ट, हमने वहाँ के जो SP हैं, SP को भी मेल किए हैं। ठीक है, जो प्रीतिंदर सिंह है वहाँ के SP, उनको भी मैंने मेल भी किया है, मैंने व्हाट्सएप भी किया है। उनके जो PA हैं उनसे 4 से 5 बार बात की है, पूरी बात बताई है। उनके PA को भी केस पता है ना। PA ने बोला कि हम जितेंद्र कुमार को जानते हैं, हम आपका पता करवा लेते हैं, क्या मैटर है। जब PA को हमने बता दिया, सारी बात हो गई, उसके बाद PA ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया हमारा। हमने इतनी बार फोन कर, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, और ना ही हमारे कभी SP से बात करवाई। उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट से भी हमने जो है वो कोर्ट गए, कोर्ट से हमने एप्लीकेशन भिजवाई है, दोनों जगह SP ऑफिस में भिजवाई है, सागन थाने में भिजवाई है, और हमने उसका कुछ आया नहीं ना। कुछ भी नहीं आया है। हम वहाँ के जो केदारनगर की चौकी के ऑफिसर थे उनको हमने फोन करके बुलाया, संजीव कुमार नाम था, हमने बोला कि आप हमारा बयान ले लो, खुद बोल रहे हैं, तब भी वो हमारा बयान नहीं ले रहे हैं, और पोर्टल पे झूठ अपडेट कर रहे हैं कि वो बयान देना नहीं चाह रही है, तब भी हमारा बयान नहीं ले रहे हैं। हमने उनको बुलाया, तो शासन आके किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, इसलिए हम परेशान होके अब हम जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास आए थे आज, और हमने जो है वहाँ पे शिकायत अपनी दर्ज की है, और मुख्यमंत्री जी से बस हमारी यही निवेदन है कि वो हमारा इसमें मदद करें। तो मैडम आपको किसी के ऊपर शक है? हमें शक आप है, क्या हमारी क्या हमारी बता रहे जेठानी पे शक है, हमारे जेठ पे शक है, क्योंकि क्या नाम है जेठानी का, जेठ का? हमारी जेठानी का नाम विनीता सोलंकी है, हमारे जेठ का नाम मुकेश सोलंकी है। आपके पति की हत्या इन लोगों ने की? इन्हीं लोगों ने की है, क्योंकि हमको तो हमको थाने पे दी? थाने पे बिल्कुल दी है किस डेट शिकायत को दी है? हमने दी है 23/5/2023 को, हम गए थे एप्लीकेशन लेकर कौन से थाने पे? सागन थाने पर। थाने पे SHO ने क्या कहा? उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या पहले बोला था पहले आपसे? तो FIR नहीं लिखी, मना कर दिया, हमें नाम नहीं पता है कौन से ऑफिसर थे। हाँ। उन्होंने कहा कि आप महिला वाले उसमें चल जाइए ऑफिस में, महिला वाले में। उन्होंने मुझसे बोला कि आपका तलाक हो गया, आप क्यों करने आई हैं कार्रवाई। हमने उनसे तलाक बोला हो कि गया तो कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, ये तो हमने ये बोला, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला। मैंने उनसे बोला कि क्या एक आम आदमी कार्रवाई नहीं कर सकता, तलाक हो गया तो क्या मैं पूर्व वाइफ तो हूँ उनकी, मतलब उन लोगों का ये कहना है ना कि हाँ तलाक हो गया तो हाँ आप हाँ कार्रवाई कार्रवाई नहीं होगी, है ना।
तो हमने उन्हें फिर हम जब हम चिल्ला के पड़े तो उन्होंने कहा ठीक है हम आज से स्टार्ट करवा देंगे। चौकी केदारनगर चौकी लगती है। संजीव कुमार से मेरी बात हुई थी, वो थे संजीव कुमार ने हमें फोन किया, हमें फोन करके उन्होंने बुलाया यहाँ पर जब हमने सीएम पोर्टल पे अपडेट कर दिया था, उसके बाद यहाँ पे बुलाना चाहा। सीएम पोर्टल पे अपडेट करने के बाद कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई, हमें पास फोन आया और हमने उनको बोला कि हमें आप 3-4 दिन का समय दीजिए, हम 3-4 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम, आप जहाँ पर हो आप बता दीजिए, आप हम वहाँ पर आ जाते हैं। मैंने कहा मुझे वैसे भी काम है तो मैं आ ही रही हूँ वहाँ पर, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो, ये मुकदमा खुल के सामने है, जो भी दोषी है उनको सजा मिले। हत्या में किस तरह से हत्या हुई? सर पे कैसे चोट? सर पे उनके भारी वार है, हथौड़े जैसा वार है। कैसे पता चली? ये बात हमें उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है, ठीक है। और उनके पेट में जो है ये अखबार में तो छपवाया है कि कांच मारा गया है, अब वो कांच है या कुछ और है पर नुकीली चीज है जो वो मारी गई है। मारने के बाद वो इस तरह से 2.5 इंच की नुकीली चीज मारी गई है, जो वो कांच जो है वो आते जो है उनकी निकल के वो बाहर आ गई है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इंसान इस तरह की मौत अपने आप को नहीं दे सकता, या तो वो सर पे मारेगा या पेट पे मारेगा।